हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं सैयद हाजी अली नाइस फ्रूट फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत सारे कमेंट में लोगों ने लिखा है कि सीताफल की आप जो कटिंग करते हैं किस तरह करते हैं वह हमें बताइए, और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया है। तो मैं सीताफलों की सेकंड कटिंग आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये मेरे देख सकते हैं, ये 15 महीने की मेरे सीताफल की बाग है जिसको हमने डेवलप कर रहे हैं। पहली कटिंग मैं आपको बताता हूँ, जब हमने इसकी इन सीताफलों की जब पहली कटिंग किए थे, हम इसको 2 फीट के ऊपर यहाँ पे कट किए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसको हम 2 फीट के ऊपर यहाँ पे कट किए थे। इसको कट करने के बाद क्या हो गया था, बहुत सारे ब्रांचेस आ गए थे। इन ब्रांचों में से हमने सिर्फ 3 ही ब्रांच रखा है, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 3 ब्रांचेज रखा। अब इसकी हाइट जो है, इसकी लंबाई तकरीबन 2 से 2.5 फीट की हो सकती है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये ब्रांच जो है ना, अच्छी डेवलप हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 फीट के ऊपर काटेंगे। अब जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखो 1 फीट मेज़र करके मैंने एक लकड़ी का लिया हूँ, लकड़ी का टुकड़ा लिया हूँ, जिसको हमको काटने में इजी हो जाएगी ब्रांचेस डेवलप करने में। अगर 1-2 इंच ऊपर नीचे काटते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये हमने यहाँ से लिया 1 फीट यहाँ आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से हम आप इसको काट देंगे। ये काट दिया इधर। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसके नीचे के 6 पत्ते निकालना है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे हम 5 पत्ते काट दिए। अब दूसरी ब्रांच मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया दूसरी ब्रांच, यहाँ पे लिया मैंने। अब इसको भी मैं यहाँ से ये काट दिया पत्ते, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब मैं तीसरी ब्रांच काटूँगा, ये देखिए 1 फीट यहाँ आ रहा है, ये इसको यहाँ से मैं काट दिया, 1 2 3 4 5 ये पत्ते हम अगर मैनुअल निकाल देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से ब्रांचेस जल्दी आना शुरू करते हैं। नहीं तो क्या होगा, पत्ते सूखने के बाद ब्रांचेस आते हैं, पत्ते सूखने के लिए टाइम लगेगा। हमको ब्रांचेस जल्दी चाहिए तो हमको मैन्युअली पत्ते निकालना चाहिए, इस तरह से हमको कटिंग करना चाहिए। अभी क्या होगा, यहाँ से ब्रांचेस आएंगे 4-5 जितने भी ब्रांचेस आएंगे, तो हमको यहाँ से सिर्फ 3 ही ब्रांच रखना है और बाकी के ब्रांच को हमको कट करना है। जब ये 3 ब्रांच यहाँ के 2 से 2.5 या 3 फीट हो जाएंगे, फिर हम उसको 1 फीट के ऊपर कट करेंगे। इस तरह से हमको ब्रांचेस डेवलप करते जाना है, ये हमको सिर्फ 3 साल तक करना है। उसके बाद क्या होगा, फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। फ्रूटिंग तो पिछले 2 साल के बाद ही आना शुरू होती है, लेकिन हमको फ्रूटिंग अभी लेना नहीं है, फ्रूटिंग हमको लेना है 3रे साल। इसलिए कि जब तक पेड़ मैच्योर नहीं होता, ब्रांचेस अच्छे डेवलप नहीं होते, हेल्थी नहीं होते, जब तक हमको फ्रूटिंग नहीं लेना है। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, मैंने कस्टर्ड एप्पल की सेकेंड कटिंग किस तरह से की है। आगे जब भी मैं कटिंग करूँगा तो वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करते करूँगा। अब वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।